नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिशियन थ्योरी टू प्रैक्टिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से आपके सामने जो पार्ट नंबर 9 लेके आ रहे हैं, सॉरी 10 नंबर लेके आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस रह रहे थे अपने जो कंडक्टर इंसुलेटर और जो सेमी कंडक्टर्स के जो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के जो चैप्टर वाइज हम लेके चल रहे हैं, उसी की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चंस को देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जो UPPCL TG2 की हम बेहतरीन तैयारी के लिए हम लगे हुए हैं और आप लोग बहुत ही सपोर्टेड बने रहो और वीडियो को शेयर करते रहिए। हम इसी प्रकार से आप लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाते रहेंगे और आप लोग अच्छे तरीके से उसकी तैयारी करते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये आपके सामने 15 क्वेश्चंस लेके आए हैं। उस 15 क्वेश्चन में से आप लोगों को लगभग 2 या 3 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और मिलेंगे, 100% मिलेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आपका विश्वास बना के रहिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर एवं वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि हम इसी प्रकार से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाते रहें। तो चलिए हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। बात यहाँ पे है कि पहला क्वेश्चंस है, समवाहक पदार्थ की तुलना में विसंवाहक पदार्थ में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, समवाहक पदार्थ की तुलना में विसंवाहक पदार्थ में खालिस्तान होती है। ऑप्शन है उच्च चालकता, उच्च प्रतिरोधकता, उच्च प्रतिरोधकता, निम्न चालकता, निम्न प्रतिरोधकता, उच्च चालकता, निम्न प्रतिरोधकता, निम्न चालकता। क्योंकि ये चीज़ें UPPCL TG2 के अंदर 25 जनवरी 2019 शिफ्ट नंबर 2 के अंदर आया हुआ क्वेश्चंस है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हम इस क्वेश्चंस का जवाब आप लोगों के सामने पेश करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चंस का जो जवाब होगा कि जो संवाहक का मतलब क्या होता है, चालकता। ठीक है, और चालकता के अंदर अगर हम बात करते हैं कि तुलना में विसंवाहक पदार्थ के अंदर क्या होता है कि उच्च प्रतिरोधकता और निम्न चालकता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उच्च प्रतिरोधकता एवं निम्न चालकता होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देख लीजिए, इसका थोड़ा सा हम सरसरे तरीके से बात कर लेते हैं कि जो संवाहक यानी कंडक्टिव जो मटेरियल्स की तुलना में विसंवाहक, विसंवाहक का मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल्स की जो प्रतिरोधकता उच्च और चालकता निम्न होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि उसकी जो चालकता कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जो तुलना कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। वे पदार्थ जिनमें धारा आसानी से प्रभावित होती है वो चालकता कहलाते हैं, आप लोगों को सभी को पता है। और इनका जो प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, यानी PTC होता है। हमेशा जिसके अंदर धारा प्रभावित होती है वो हमेशा PTC होता है, जिसके अंदर धारा प्रभावित नहीं होती है जो इंसुलेटर होता है वो NTC के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इसको हम क्या कहते हैं, इसका ताप गुणांक धनात्मक होता है, उसे हम PTC कहते हैं और उसे हम चालक पदार्थ कहा जाता है। और जिसको हम धारकता प्रभावित नहीं होती है उसको हम क्या बोलते हैं, NTC बोला जाता है, या ताप गुणांक ऋणात्मक माना जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो हम इसी प्रकार से पूरे क्वेश्चन का निष्कर्ष या निचोड़ निकाल के आपके सामने रख रहे हैं, तो आप लोग अच्छी तरीके से वीडियो को समझिए, क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, और वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक ज़रूर देखिए दोस्तों, क्योंकि लास्ट तक आप लोगों को बहुत ही कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा और लास्ट में एक इम्पोर्टेंट हम बात बताने आप लोगों को जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, देख लीजिए आपके सामने स्क्रीन पे है। एक सेमीकंडक्टर की प्रतिरोधकता होती है, एक सेमीकंडक्टर की जो प्रतिरोधकता यानी कि अर्धचालक की हम बात कर रहे हैं, तो अर्धचालक की अंदर जो प्रतिरोधकता होती है वो क्या होती है। जैसे ऑप्शन दिया हुआ है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच, कंडक्टर से कम, कंडक्टर के बराबर, इंसुलेटर से अधिक। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों, फटाफट अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका जवाब दीजिए। ठीक है, तो हम इसको ज़रूर बता रहे हैं आपको, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में इसको प्रतिरोधकता होती है। ठीक है, तो हम इसकी और बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की, और इस सेमी कंडक्टर की जो प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी होती है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के मध्य होती है। ठीक है, ऑप्शन सही है। ठीक है, और दूसरी बात, सेमीकंडक्टर का जो ताप गुणांक कैसा होता है, नेगेटिव होता है। जो सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर का जो टेम्परेचर कोफिशियंट होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, जिसको हम बोलते हैं NTC बोला जाता है। ठीक है, और सेमीकंडक्टर के पदार्थ के जो बाह्यतम कक्षा के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, बाह्यतम कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बूझ सकता है। जो सेमीकंडक्टर के अंदर जो एग्जाम्पल के हम बात करते हैं, सिलिकन और जर्मेनियम होती है।
ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी सेमीकंडक्टर की जो प्रतिरोधकता होती है वो हमेशा कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच मापी जाती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे के सारे यूपीपीसीएल टीजीटू के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, अब्रक एस्बेस्टस और फाइबर ग्लास वर्ग प्रकार के विसंवाहक पदार्थ के उदाहरण हैं। विसंवाहक पदार्थ के उदाहरण हैं, देख लीजिए, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसको कम कर देता हूँ जूम को। ठीक है, तो इस प्रकार से अब्रक एस्बेस्टस और फाइबर ग्लास वर्ग प्रकार के विसंवाहक पदार्थ के उदाहरण हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे अब्रक एस्बेस्टस और फाइबर होता है वो किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा यानी कि बी के अंदर इसका एस्बेस्टस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल तौर पे हम बात कर लेते हैं, तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 130 डिग्री होता है। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में भी आप लोगों को बताई है, इसकी ट्रिक बताई है, वो आप लोगों को अच्छी तरीके से इसको याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द मटेरियल्स ऑफ ऑप्शन द इलेक्ट्रिकल गार्डिंग और केबल की डाइलेक्ट्रिकल ग्रेडिंग खालिस्तान प्राप्त करने की विधि होती है। जो इसके अंदर जो ग्रेडिंग उत्पन्न करने के लिए हमारे पास किस प्रकार के डाइलेक्ट्रिकल ग्रेडिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर हमारे प्रतिरोध ग्रेडिंग, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग, बाह्य शीत ग्रेडिंग, प्रेरकत्व ग्रेडिंग। ठीक है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को अच्छी तरीके से क्वेश्चन को देखने को पेपर के अंदर मिल सकता है, क्योंकि ये आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि आए हुए क्वेश्चन हैं, देख लीजिए नीचे यूपीपीसीएल टीजीटू के अंदर शिफ्ट नंबर सेकंड के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। देख लीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग होगा। क्या होगा? कैपेसिटेंस ग्रेडिंग होगा। इसका मतलब क्या होता है? कैपेसिटेंस ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि केबल के जो पैरावैद्युतिक डाइलेक्ट्रिकल होता है एक समान जो होता है, जैसे डाइलेक्ट्रिकल का एक समान जो पैरावैद्युत तनाव यानी कि जो यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिकल स्ट्रेस प्राप्त करने की जो प्रक्रिया को केबल की ग्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, इसकी केबल की ग्रेडिंग केवल दो प्रकार की होती है, जैसे केबल की ग्रेडिंग दो प्रकार की या दो विधियों की होती है, जिसमें कैपेसिटेंस ग्रेडिंग और इंटर शीथ ग्रेडिंग। पहली कौन सी होती है? कैपेसिटेंस ग्रेडिंग, और दूसरी होती है इंटर शीथ ग्रेडिंग। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एंटीमनी खालिस्तान का एक उदाहरण है। एंटीमनी जो है वो किसका उदाहरण है? आप लोगों ने पढ़ा होगा जैसे फेरामैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरा और डाया, तीन प्रकार के हमारे पास पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो एंटीमनी होता है वो एंटीमनी किस पदार्थ का उदाहरण है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा यहाँ पे? जैसे हमारे पास लोहा चुंबकीय फेरामैग्नेटिक होता है और अनुचुंबकीय पदार्थ होता है जिसमें हम बोलते हैं पैरा, क्या बोलते हैं इसको? पैरा। और जो प्रतिचुंबकीय होता है इसको हम डाया बोला जाता है। प्रतिचुंबकीय क्या बोलते हैं? डाया मैग्नेटिक बोलते हैं, डाया और पैरा और फेरा। ठीक है, तो जो एंटीमनी है वो एंटीमनी किसका उदाहरण है? जो पैरामैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण माना जाता है। ठीक है, तो अगर और चीज़ हम बात करते हैं इसके अंदर कि जैसे वह पदार्थ जो चुंबक द्वारा थोड़ा बहुत आकर्षित होता है, जैसे थोड़ा बहुत क्या होता है, मैग्नेटिक तरफ आकर्षित होता है और इसके अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। इसकी जो पैरामेबिलिटी होती है वो एक से थोड़ी अधिक होती है। ठीक है, और जो फेरा की होती है बहुत अधिक होती है और जो पैरा की होती है बहुत ही कम होती है। ठीक है, एक से भी कम होती है और ये कुछ अधिक होती है एक से। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आप लोगों के बहुत ही अच्छा वीडियो बन सकता है और आप लोग वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के साथ अपने शेयर करिए ताकि हम इसी प्रकार से आप लोग घर बैठे आप अपनी यूपीपीसीएल टीजीटू की तैयारी बेहतरीन बना सकते हो। ठीक है, हम जो पिछले वाले क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा पुटअप कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर की। ओवरहेड टेलीफोन लाइन निम्नलिखित की बनी होती है। जो ओवरहेड जो लाइन होती है वो किसकी बनी हुई होती है? फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए दोस्तों, क्योंकि हम आपके क्वेश्चन का जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं और इस क्वेश्चन का जवाब आपके सामने ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है कॉपर वायर की तार। ठीक है, कॉपर वायर की तार, और दूसरा है स्टील की तार और एल्यूमिनियम की तार
और इसके बाद में है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए, जो ओवरहेड टेलीफोन लाइन निम्नलिखित की बनी होती है वो हमेशा किसकी बनी होती है, किसकी बनी हो सकती है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम आपके क्वेश्चन का जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। और फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग फटाफट दीजिए दोस्तों, फटाफट दीजिए इसका जवाब, फटाफट दीजिए दोस्तों, फटाफट दीजिए। ठीक है, तो जवाब आ गया हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टील की तार की, जिसकी तार करते हैं हम, स्टील की तार के प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आए हुए क्वेश्चन से दोस्तों UPPCLT G2 के अंदर आए हुए हैं, थोड़ा सा इसको जूम कम कर दिया है और चलते हैं हम। इंसुलेटिंग सामग्री का प्रतिरोध होता है, इंसुलेटिंग सामग्री का जो प्रतिरोध होता है, वो कितना होता है, किसे कहते हैं, किसके समानुपाती होता है? द रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स, द इंसुलेटिंग मटेरियल्स, इंसुलेटिंग मटेरियल्स ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोधकता के समानुपाती, तापमान पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर नहीं करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये UPPCLT G2 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी प्रतिरोधकता के समानुपाती होता है। ठीक है, प्रतिरोधकता के समानुपाती होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ऋणात्मक ताप गुणांक निम्नलिखित में से किसका होता है? जो NTC की बात कर रहा है यहाँ पे, NTC है, पीतल है, मरकरी है, विद्युत अपघट्य है, सिल्वर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो विद्युत अपघट्य होता है, वो टेम्परेचर यानी कि NTC के रूप में इसको मापा जाता है। देखिए इसका थोड़ा सा हम डिटेल से बातें कर लेते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट का जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है हमेशा नेगेटिव होता है। जो किसी भी प्रकार का पदार्थ है, जैसे सेल बैटरी के अंदर, जो इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है वो हमेशा नेगेटिव टेम्परेचर के रूप में कार्य करता है। जिनका प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर, क्या होता है, कम ताप बढ़ाने पर, घटता है। ठीक है, ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। ठीक है, उनका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको बता दी। अर्धचालक तथा और कुचालक पदार्थ होते हैं, NTC हमेशा कुचालक और अर्धचालक के रूप में कार्य करते हैं। जैसे रबड़ होता है, माइका होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। जिनका प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर, रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ता है, वो हमेशा किसका होता है, PTC के रूप में कार्य करता है। जैसे हमारे पास क्या होता है, चांदी होता है, तांबा होता है, एल्यूमिनियम होता है, पीतल होता है, मरकरी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है? एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, कॉपर है, प्लास्टिक। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन नंबर डी होगा, प्लास्टिक है। प्लास्टिक क्या होता है, एक हमारे पास एक कुचालक पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या उपस्थित नहीं होती है, इसी वजह से मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होने के कारण से कुचालक पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आपको जवाब मिल गया प्लास्टिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइबर और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम इसी प्रकार से वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाते रहे हैं और आपकी तैयारी को अच्छे तरीके से बना पाओगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, धातु का वह गुण जिसके कारण उसे तारों के रूप में खींचा जा सकता है कहलाता है। जैसे कोई भी धातु है, उस धातु का कौन सा गुण है जो खींचने पर उसका क्या होता है, रूप में खींचा जा सकता है, उसके कारण खींचा जा सकता है। तो ऑप्शन हमारे पास है तन्यता, आघातवर्धनीय, विस्फारण और प्रत्यास्थता। ठीक है, जो तन्यता होती है यानी कि डिटेक्टिलिटी होती है, वो क्या होती है, धातु का वह गुण जिसके कारण तारों के रूप में खींचा जा सकता है, वह क्या कहलाती है, तन्यता कहलाती है। ठीक है, तन्यता एक इसका गुण माना जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, विद्युत रोधन सामग्री नमी पर का निम्नलिखित प्रभाव होता है। विद्युत रोधन सामग्री नमी पर, नमी का निम्नलिखित प्रभाव होता है, जिसमें ऑप्शन है विद्युत रोधन प्रतिरोध, और पैरावैद्युत सामर्थ्य। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा एक मिसप्रिंट हो गया है। जैसे जो ऑप्शन नंबर बी है, इसका जो ऑप्शन हमारे पास था पैरावैद्युत, कि दोनों सेम मिल गए हैं, तो ये था पैरावैद्युत सामर्थ्य, में वृद्धि।
सामर्थ्य में वृद्धि। ठीक है, तो तीसरा था हमारे पास पैरावैद्युत हानि में, पैरावैद्युत हानि में वृद्धि और पैरावैद्युत स्थिरांक में कमी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो पैरावैद्युत हानि में वृद्धि करता है। क्यों करता है इस चीज़ के बारे में समझिए आप, क्योंकि जो इंसुलेटिंग जो मटेरियल्स जैसे पानी होता है, पानी वाष्प नमी आर्द्रता बढ़ने से उनकी डाइलेक्ट्रिकल लॉसेस में वृद्धि होती है। जो डाइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ होता है उसकी लॉसेस क्या होता है, वृद्धि होती है। वोल्टेज के बढ़ाने पर डाइलेक्ट्रिकल लॉसेस बढ़ता है। अगर हम बात करें वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, वी को बढ़ा रहे हैं, तो उसकी डाइलेक्ट्रिकल लॉसेस भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, डाइलेक्ट्रिकल लॉसेस यानी कि इसका फॉर्मूला होता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक फॉर्मूला है डाइलेक्ट्रिकल स्ट्रेन लॉसेस का ज्ञात करने का। जैसे हमारे पास डाइलेक्ट्रिकल लॉसेस बराबर 2 पाई एफ सी वी स्क्वायर टेन थीटा। ठीक है, तो ये इसका एक फॉर्मूला है, तो आप लोग इसको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है पीतल पीतल निम्नलिखित की एक मिश्र धातु है, पीतल निम्नलिखित एक मिश्र धातु है जो कॉपर एंड जिंक की बनी होती है, या जिंक एंड लेड की बनी होती है, लेड या टिन की बनी हुई होती है, या टिन या और सिल्वर की बनी होती है। सारे के सारे देख लीजिए UPPCLTG2 के अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट, कॉपर एंड जिंक का बना हुआ होता है पीतल की मिश्र धातु का। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसके अंदर पीतल कॉपर और जिंक की मिश्र धातु, यानी कि कॉपर होता है Cu 60+80% प्लस जिंक होता है कितना 40-20%। ठीक है, ये इसका एक रेशियो है, तो आप लोग इसको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कॉपर के तार का भू प्रतिरोध लगभग होता है कॉपर के तार का भू प्रतिरोध लगभग होता है, तो फटाफट अब आपके सामने है कॉपर तार का भू प्रतिरोध होता है, तो आपके सामने ऑप्शन है 1 ओम 3 ओम 0 ओम 10 ओम। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 1 ओम माना जाता है, यानी कॉपर के तार का भू प्रतिरोध लगभग कितना होता है, 1 ओम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग निम्नलिखित के रूप में किया जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, चालक होता है और विद्युत रोधक और अर्धचालक। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होता है, ये तो चालक हो गया, जिसमें हमारे पास कॉपर तांबा ये हो गया। ठीक है, अर्धचालक के अंदर क्या होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है, जो हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी UPPCLTG2 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, हम जो सारे के सारे पुराने क्वेश्चन को उठा रहे हैं और आप लोग अच्छी तरीके से इसको देख सकते हो। ठीक है, तो आज का इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन का लास्ट, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, यदि एक चालक को चुंबक के क्षेत्र में से ले जाया जाता है तब क्या होता है, अगर एक चालक को चुंबक के क्षेत्र में से ले जाया जाता है तो क्या होता है दोस्तों। अगर ये आप लोगों ने पढ़ा है अच्छी तरीके से, अगर मोटर जनरेटर में, तो आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब अच्छे तरीके से दे सकते हो। ठीक है, यदि एक चालक को चुंबक के क्षेत्र में ले जाया जाता है तब क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, वोल्टेज उत्पन्न होता है, चुंबक के क्षेत्र बढ़ जाता है, चुंबक के क्षेत्र घट जाता है, तो द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है, यानी चुंबक के क्षेत्र उसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और उस कारण से हमारे पास क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसको हम वोल्टेज मापा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चुंबक के क्षेत्र बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस सेशन में हमने 15 क्वेश्चन देखे हैं, और अगले सेशन में भी हम 15-15 क्वेश्चनों की सीरीज लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने यार दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, तो आज इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्लास के अंदर।